Hello students, I hope you all are fit and fine at your homes. I have entered your answer key of book work of lesson number 1 of 6. Today we will do the question answers of lesson number 1. Let's start the question answers. Very short question answer. Which is the largest Hindu temple in the world? Akshardham temple. Which state is known as the land of spices? Kise kaha jata hai? Kerala. Where do the Muslims pray? Muslims log kahan pe pray karte hain? In mosques. How many languages are recognized in the constitution of India? 22. Kitni bhashaon ko manyata prapt hai hamare samvidhan mein? 22. Who is known as the father of our nation? Hamara rashtrapita kise kaha jata hai? Mahatma गांधी जी. डिफाइन डाइवर्सिटी. आफ्टर दैट शॉर्ट क्वेश्चन. विभिन्नता क्या है? डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. विभिन्नता का मतलब है एक लंबी श्रृंखला जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और चीजें होते हैं जो क्या आती है एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं. लिस्ट ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. इंडिया के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? 22 लैंग्वेजेस को हमारी रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है. दैट इज असमीज, बंगाली, बोंदू, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कौनकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. नेम सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. इंडिया के अंदर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में बताओ. वी सेलिब्रेट थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया. आप इंडिया में थ्री टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बैसाखी, होली, ओनम, बिहू एक्सेट्रा, रिलीजियस गुरुपूर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ये गुरुओं से रिलेटेड होते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स जो हमारे देश से रिलेटेड है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. How can you say that there is unity in diversity in India? इंडिया में विभिन्नता में भी एकता आप कैसे कह सकते हो? More than a billion of people live in India. इंडिया में करोड़ों लोग रहते हैं ना. They belong to different religions and tribes. अलग अलग रिलीजन और अलग अलग ट्राइब से संबंध रखते हैं. They speak different languages. अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. Wear different clothes. अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. Eat different types of food. अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. In spite of all these differences, इन differences के बावजूद भी they call themselves Indian. वो क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं. It shows, ये शो करता है unity in diversity in India. विभिन्नता में एकता को. द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया. इंडिया में जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनके बारे में बताओ. रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस. ऑन 26 जनवरी अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स. हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, आर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे. हमारे देश को गणतंत्रता मिली थी. देयर फोर, इसीलिए वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर. हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल. वो सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. हमारा देश जो भारत था वो लंबे समय के बाद अंग्रेजों के, ठीक है जी, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था, जिसके कारण हम हर साल इस देश को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं. गांधी जयंती. गांधी जी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री. गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में. सो वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर एज अ गांधी जयंती. इसीलिए आप हर साल गांधी जी का 2 अक्टूबर को बर्थडे मनाते हैं एज अ गांधी जयंती. थैंक यू ऑल ऑफ यू. डू दिस क्वेश्चन आंसर्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ऑन योर पेयर नोट बुक्स. राजे, यू हैव टू लीव सम पेजेस. देयर आर 3 पोर्शंस इन योर एसएससी. One is geo, second is a history, third one is a civics. You have to leave pages, you have to divide your notebook in a 3 portions. आपको 3 portions में अपनी notebook डिवाइड करनी है. One side आप geo के लिए लगा लो, one side history के लिए और one side civics के लिए. And do these question answers with neat and clean handwriting. Thank you all of you.